आपने हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बड़े सांप देखे होंगे जिनकी लंबाई देखकर आप दंग रह गए होंगे कि क्या वाकई में इतने विशाल और भारी भरकम शरीर वाले सांप भी होते हैं। जी हाँ, न सिर्फ फिल्मों में बल्कि असल जिंदगी में भी विशालकाय सांप होते हैं, जिनमें से एक है टाइटनोबोआ, जिसे टाइटैनिक बोआ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका आकार करीब टाइटैनिक जहाज जैसा ही होता है। कहा जाता है कि मिलियंस साल पहले एक विशालकाय सांप साउथ अमेरिका में देखा जाता था, जिसने जंगल में अपने आतंक से सभी को परेशान कर रखा था। ये सांपों की विलुप्त हो चुकी प्रजातियों में से एक है। कहा जाता है कि टाइटनोबोआ पेलियोसीन एपिक यानी 58 से 60 मिलियन साल पहले पाया जाता था। रिसर्चर्स की माने तो डायनासोर के युग मेसोजोइक एरा के खत्म होने के 10 मिलियन साल बाद पेलियोसीन एपिक आया था। 65 मिलियन साल पहले जब उल्कापिंड गिरे तो डायनासोर की सारी प्रजातियां खत्म हो गईं, जिसके कुछ मिलियन साल बाद कई जानवरों ने इकोसिस्टम में उस जगह पर कब्जा कर लिया जहां पहले डायनासोर रहते थे। इस जगह पर जंगली जीवों में सबसे पहले विशालकाय कछुओं और मगरमच्छ के साथ टाइटनोबोआ सांप ने भी अपना दबदबा बना लिया था। टाइटनोबोआ की खासियत की बात करें तो ये सांप अपनी प्रजाति का पहला ऐसा इकलौता सांप है जो सबसे ज्यादा विशाल और भारी भरकम शरीर वाला है। इससे पहले जो सबसे बड़ा सांप पाया गया था उसका नाम जाइगेंटोफिस था, जो कि 33 फीट लंबा था, लेकिन टाइटनोबोआ 50 फीट लंबा होता है और इसका वजन 1000 किलो होता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जब कोई सांप इतना विशालकाय होता है तो उसके शरीर का वजन एक समान नहीं होता, कहीं ज्यादा तो कहीं कम होता है। ये सबसे ज्यादा भारी अपने शरीर के बीच के हिस्से से होता है, तकरीबन 14 मीटर मोटा। बताते हैं कि अपने युग में ये विशालकाय सांप एक मगरमच्छ को भी निगल जाता था, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को मानने से इंकार करते हैं। डायनासोर के विलुप्त हो जाने के बाद टाइटनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी था, जिसने इस ग्रह पर करीब 10 मिलियन साल तक शिकार किया। टाइटनोबोआ के शिकार करने की बात करें तो ये बड़ी ही चालाकी से जंगली जानवरों को अपना शिकार बना लेता था। ये अपने शिकार पर अचानक से हमला करता था, जिससे उसे भागने का कोई भी मौका नहीं मिल पाता था। टाइटनोबोआ अपने शिकार को 182 किलो की ताकत से कुचलने में माहिर होता था। अपने बड़े दांतों को शिकार के सांस की नली में डालकर उसे मार डालता था। जैसे कि सांपों के शरीर पर कई रंग की धारियां होती हैं, लेकिन टाइटनोबोआ में ऐसी कोई भी धारियां देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से कोई भी जीव इसके आसपास होने का अंदाजा नहीं लगा पाता और उसका आसानी से शिकार बन जाता था। अपने बड़े और भारी भरकम शरीर के साथ ये ज्यादातर पानी में ही रहना पसंद करते थे, ठीक वैसे ही जैसे इस समय अमेज़न के जंगलों में ग्रीन एनाकोंडा पानी में रहते हैं और वहीं रहकर शिकार करते हैं। टाइटनोबोआ सांपों की प्रजाति को बढ़ाने या कम करने में तापमान का भी बड़ा योगदान माना जाता है। कहते हैं कि इन सांपों के विशाल आकार होने की एक वजह धरती का तापमान बढ़ना है, वहीं इसकी दूसरी वजह वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा का बेहद बढ़ जाना भी माना जाता है। सभी सांप एक्टोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ये अपने शरीर में गर्मी बाहर के वातावरण से बनाते हैं। जैसा बाहर का वातावरण होता है वैसा ही वातावरण ये अपने शरीर का कर लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जिस जगह टाइटनोबोआ रहते थे वहां का तापमान जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा रहा होगा, और शायद यही वजह रही होगी कि इन कोल्ड ब्लडेड सांपों का आकार आज के समय में पाए जाने वाले सांपों से कहीं ज्यादा होगा। इसी की वजह से इनकी लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जो आज हमें देखने को नहीं मिलती। आज भी सांपों की सबसे लंबी प्रजाति ट्रॉपिकल रीजन यानी जहां पर सूरज की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती हैं वहां पाई जाती है। वहीं सांपों की सबसे छोटी प्रजातियां इक्वेटर से काफी दूर पर देखने को मिलती हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि सभी वैज्ञानिक इस थ्योरी को नहीं मानते कि गर्मी की वजह से किसी सांप का आकार बढ़ सकता है। जैसे कि इन सांपों के जीवन का एक कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है, तो वही इनके विनाश का अहम कारण भी बना। साइंटिस्ट्स का कहना है कि जब धरती का तापमान कम हो गया था तब छोटे सांपों ने इन टाइटनोबोआ जैसे सांपों की जगह ले ली थी।
टाइटनोबोआ के फॉसिल्स की चर्चा करें तो 2009 में 28 टाइटनोबोआ के फॉसिल्स कोलंबिया, सेरेजोन फॉर्मेशन और ला ग्वाजिरा की कोयले की खदान में मिले। रिसर्च की माने तो साइंटिस्ट्स को यहाँ टाइटनोबोआ के साथ कुछ पेड़ पौधों के फॉसिल्स और कुछ बड़े शरीर वाले रेप्टाइल्स जैसे विशाल कछुए और बहुत बड़े मगरमच्छ के फॉसिल्स भी मिले हैं। मजेदार बात तो ये है कि ये फॉसिल्स आज तक इतिहास में पाए गए सभी कछुए और मगरमच्छ के फॉसिल्स से बेहद बड़े और विशाल हैं। कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि टाइटनोबोआ के फॉसिल्स की खोज दशक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर हम टाइटनोबोआ के मॉडल की बात करें तो 2012 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के लोगों ने असल आकार का टाइटनोबोआ न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में लगाया था। वहीं 2013 में इसका 48 फीट लंबा मॉडल वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि करीबन एक सदी तक जायगेंटोफिस ने धरती के सबसे बड़े सांप होने का खिताब अपने नाम पर रखा था, लेकिन 2009 में टाइटनोबोआ के फॉसिल मिलने के बाद ये उपाधि इस विशालकाय सांप को मिल गई। टाइटनोबोआ के फॉसिल्स की खोज ने न केवल इंसान की जिज्ञासा को शांत किया बल्कि इसके जीवन और विलुप्त होने से हमें धरती के मौसम में आए बदलावों के बारे में भी पता चला। इसीलिए कहते हैं कि अगर प्रकृति किसी को बनाती है तो बिगाड़ती भी वही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।